Hey guys, assalamu alaikum. Welcome to the class Interphysics. सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं. लेट्स कंटिन्यू. कल हमने स्टडी किया था कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म. ठीक है, उसको और थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं. वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, यानी जैसे कि हमें पता है कि कूलम्स लॉ इज यूज टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, जिसका फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू के कांस्टेंट क्यू वन एन टू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. ये फार्मूला होता है जिसको कहते हैं कूलम्स लॉ. इस फार्मूला की मदद से हम उस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं. यानी लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं. अगर दोनों ही आइडेंटिकल हैं, पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा. ठीक है, और हम यहाँ पर लाइन निकालेंगे, लाइन विच विल जॉइन द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस एंड द फोर्स विल बी एक्टिंग अलॉन्ग दिस लाइन. और यहाँ पर डिस्टेंस शो कर लेते हैं, आर इज द डिस्टेंस. इस चार्ज का नाम रखते हैं क्यू वन, इस चार्ज का नाम रखते हैं क्यू टू. अब हम अगर फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना चाहें तो ये जो फोर्स होता है दोनों चार्जेस के बीच में, ये होता है म्यूचुअल फोर्स. क्या होता है, म्यूचुअल फोर्स, यानी इट इज अ फोर्स विच इज एग्जर्टेड बाय बोथ चार्जेस ऑन ईच अदर. मतलब एक चार्ज दूसरी पर जितना फोर्स लगाएगी उतना ही फोर्स दूसरी चार्ज पहली चार्ज पर फोर्स लगाएगी. और इस फोर्स का नाम रखते हैं एफ वन टू, यानी फोर्स एग्जर्टेड ऑन चार्ज वन बाय चार्ज टू. और इसका नाम रखते हैं एफ टू वन, यानी फोर्स ऑन द चार्ज टू बाय चार्ज वन. अगर बुक में आप देखेंगे तो एफ वन टू का नाम रखा गया है क्या, अगर बुक में देखेंगे तो एफ वन टू का नाम रखा गया है फोर्स एग्जर्टेड बाय चार्ज क्यू वन बाय चार्ज क्यू वन ऑन चार्ज क्यू टू. ये बुक में नाम दिया गया है, लेकिन हम इसको उल्टा करेंगे, यानी हम पढ़ेंगे इट इज अ फोर्स एग्जर्टेड ऑन चार्ज क्यू वन बाय चार्ज क्यू टू. यानी हम इसका नाम क्या पढ़ेंगे, एक्चुअल जो है दैट इज एफ वन टू का नाम क्या है, इट इज अ फोर्स एग्जर्टेड ऑन चार्ज क्यू वन बाय चार्ज क्यू टू. एफ वन टू का नाम क्या है, फोर्स एग्जर्टेड ऑन क्यू वन बाय क्यू टू. लेकिन बुक में क्या मेंशन है, फोर्स एग्जर्टेड बाय क्यू वन ऑन चार्ज क्यू टू. तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, ये बुक में जो लाइन लिखी है इस तरह से नहीं, हम इसको फॉलो करेंगे जो, क्योंकि मोस्ट बुक्स में यही आता है और यही एक्चुअल है, ऑन चार्ज वन बाय चार्ज टू. तो एफ टू वन का नाम क्या होगा, एफ टू वन का नाम होगा फोर्स एग्जर्टेड बाय एग्जर्टेड ऑन चार्ज टू एग्जर्टेड ऑन चार्ज क्यू टू बाय चार्ज क्यू वन. या हम इसका नाम क्या रखते हैं, इसको नाम और भी नाम दिया जाता है, फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू चार्ज टू. या इसका नाम क्या रखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज क्यू वन ड्यू टू चार्ज क्यू टू. दूसरी चार्ज की वजह से जो क्यू वन पर फोर्स लग रहा है इसको हम फॉलो करेंगे. ठीक है, तो हम वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि कोई भी वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट वेक्टर. अ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर. तो यहां पर भी हम लिखेंगे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एफ वन टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्यू के क्यू वन इंटू क्यू टू अपान में आर स्क्वायर. ये रहा इसका मैग्नीट्यूड, और यहां पर रखेंगे आर केप. अब आर केप कौन सी आनी चाहिए,
अगर हम जनरलाइज में लिखेंगे इट इज अ फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, तो एफ इज इक्वल मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, वही नोटेशन है। ए वेक्टर है तो यहाँ पर फोर्स वेक्टर है, ए मैग्नीट्यूड है तो ये मैग्नीट्यूड है, ए कैप यूनिट वेक्टर है, यहाँ पर आर कैप क्या है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अब वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे यहाँ पर, अब बनाते हैं टू डायमेंशनल सिस्टम। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, यहां पर ये है ओरिजिन। यहां पर चले लेट सपोज ये यहां पर मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस है, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये है Q1, दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2, ठीक है, दोनों ही से सपोज पॉजिटिव चार्जेस। तो अब यहां पर ओरिजिन के हिसाब से अगर हम 1 और 2 का पोजीशन वेक्टर निकालें तो क्या होगा, ओरिजिन से Q1 चार्ज तक जो पोजीशन वेक्टर होगा इसका हम नाम रखते हैं R1। R1 क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है पहली पॉइंट का, और Q2 पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसको नाम देते हैं R2 पोजीशन वेक्टर। अब यहां पर ये देखो ये दोनों ही पॉइंट चार्जेस हैं इस तरह से, मतलब ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, तो फोर्स कैसे एक्ट करेगा, फोर्स विल एक्ट अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, मतलब ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है दो चार्जेस को इस लाइन के अलॉन्ग लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वन चार्ज पर कौन फोर्स लगाएगी, दूसरी चार्ज, इसका हम नाम रखेंगे वन चार्ज पर जो दूसरी चार्ज फोर्स लगाएगी इसका नाम रखेंगे एफ वन टू, फोर्स ऑन चार्ज वन बाय चार्ज टू। सिमिलरली क्यू पर क्यू टू पर क्यू वन फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, यानी ये जो लाइन है इसके बिल्कुल पैरेलल इस तरह से, इसका नाम रखेंगे एफ टू वन, फोर्स ऑन द चार्ज क्यू टू बाय चार्ज क्यू वन। अब अगर हम फोर्स लिखना चाहें एफ वन टू एफ टू वन, तो आप याद रखें Q1 और Q2 के बीच में पोजीशन वेक्टर क्या है, R होता है, क्या होता है R, यानी अगर हम चार्ज Q1 से Q2 की तरफ डिस्प्लेसमेंट ड्रा करें कहां से कहां तक, फ्रॉम द Q1 टू Q2, अगर हम Q1 टू Q2 ड्रा करें तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा पोजीशन वेक्टर बिटवीन द पॉइंट्स 1 एंड 2। और इस R का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं R जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर बराबर होगा फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब R2 माइनस R1, पोजीशन वेक्टर का पता होना चाहिए आपको, R2 फाइनल है और R1 इनिशियल है, या फिर आप इनको वेक्टोरियली सोचें तो भी आपको पता लग जाएगा, ऐसा सोचें कि R1 के हेड में R एड हो रहा है तो रिजल्टेंट क्या मिल रहा है R2, यानी R2 इज द रिजल्टेंट, ये बराबर है किसके, R1 पोजीशन वेक्टर प्लस ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फ्रॉम Q1 टू Q2। अब अगर R वेक्टर चाहिए, R1 प्लस का है लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा माइनस का, यानी R2 माइनस, यहाँ पर R2 R1 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R मिल जाएगा, वही बात मिली गई R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अब मुझे बताएं ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका हम नाम क्या रखेंगे, ये है 1 टू 2, तो इसका नाम रखते हैं R 1 2 पोजीशन वेक्टर, ये हमें क्या मिला है, ये हमें R 1 2 पोजीशन वेक्टर मिला है, यहां पर इसको रखते हैं नाम R 1 2 यानी R 2 माइनस R 1। और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बताता है, तो हम यहां पर देख सकते हैं अगर हम Q2 से Q1 तक पोजीशन वेक्टर इस तरह से ड्रा करें, मतलब इसके अपोजिट में ड्रा करें, इस तरह से अगर पोजीशन वेक्टर ड्रा करें तो इसका नाम क्या रखेंगे, यानी ये 2 से 1 गया है तो इसका नाम रखेंगे R21 पोजीशन वेक्टर, अगर ये R21 पोजीशन वेक्टर है तो कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं R21 जो पोजीशन वेक्टर है ये हम लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, यानी R1 माइनस R2। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं जैसे मैंने वेक्टर में बताया कि यहां पर अगर हम Q2 से Q1 तक जा रहे हैं तो ये R2 वेक्टर के हेड में
आर टू वन वेक्टर एड हो रहा है, आर टू वेक्टर में एड हो रहा है क्या, आर टू वन वेक्टर, आर टू वन वेक्टर, तो हमारा रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, आर वन इज इक्वल टू आर वन। और यहां से अगर आर टू वन का वैल्यू मालूम करना चाहे तो यहां पर रखें आर टू वन इज इक्वल टू आर टू प्लस का है राइट हैंड साइड पर माइनस हो जाएगा आर वन माइनस आर टू। तो फर्क सिर्फ इतना होता है अगर हम वन टू टू आ रहे हैं तो फाइनल आर टू माइनस आर वन करें, अगर हम टू से वन जा रहे हैं तो फाइनल आर वन से आर टू माइनस करें। इस बात का ओवरऑल कंक्लूजन यही, कंक्लूजन क्या है कि अगर हमें पोजिशन वेक्टर चाहिए फ्रॉम क्यू वन टू क्यू टू यानी वन पॉइंट टू टू पॉइंट तो हम फाइनल आर टू से आर वन माइनस करेंगे, अगर हम क्यू टू से क्यू वन जा रहे हैं तो फाइनल जो आर वन है इससे माइनस करेंगे क्या आर टू वेक्टर। ठीक है, अब अगर यहां पर हम देखना चाहें पोजिशन वेक्टर का यानी यूनिट वेक्टर तो लिखेंगे आर केप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। भाई यूनिट वेक्टर का तो यही फार्मूला होता है ना, आर केप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यहां से निकाल सकते हैं। देखें यहां से अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए ए केप तो किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड जो है लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे ये हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो यहां पर मैंने लिखा है पोजीशन वेक्टर आर केप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो अगर मुझे यहां पर आर वन टू केप लिखना चाहिए यानी अगर मैं आर वन टू केप यानी मैं यूनिट वेक्टर लिख रहा हूं आर वन टू का तो कैसे लिखूंगा, मतलब वो वेक्टर आर वन टू उसको डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो यहां पर लिखेंगे आर वन टू जो वेक्टर है इसको डिवाइड करें आर वन टू वेक्टर के मैग्नीट्यूड से तो हमें क्या मिल जाएगा पोजिशन वेक्टर आर वन टू मिल जाएगा। अगर मैं लिखना चाहूं कि r पोजीशन वेक्टर कौन सा r21 लिखना चाहूं r21 तो r21 किसके इक्वल होगा r21 यानी पोजीशन वेक्टर r21 इसको डिवाइड करेंगे r21 वेक्टर को डिवाइड करेंगे r21 के मैग्नीट्यूड के साथ। अब आप देख रहे हैं कि q1 और q2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम है, डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन है, आर वन टू का मैग्नीट्यूड और आर टू वन का मैग्नीट्यूड क्या होता है सेम, मैग्नीट्यूड सेम है। हम लिखेंगे सेंस यहां पर आर वन टू का पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आर टू वन के मैग्नीट्यूड के बराबर है जिसको हम नाम दे रहे हैं आर, क्या नाम दे रहे हैं आर, आर इज व्हाट आर इज द डिस्टेंस, जो कूलम्स लॉ में आर होता है वो डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज। ये जो आर आप देख रहे हैं ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है मतलब Q1 से अगर हम Q2 की तरफ अगर पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो उसको नाम देंगे R12, R12 इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 1 टू पॉइंट टू, और अगर Q2 से Q1 तक अगर पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम रखेंगे R21 यानी पोजीशन वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q2 टू चार्ज Q1। लेकिन आप देख रहे हैं दोनों के मैग्नीट्यूड्स तो बराबर है ना, अब यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होता है डायरेक्शन होता है विच शोज द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, यानी इस R12 का जो डायरेक्शन बताएगा वो इसका यूनिट वेक्टर बताएगा R12 केप बताएगा, R12 केप विल बी द यूनिट वेक्टर विच शोज द डायरेक्शन ऑफ R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर From Q1 to Q2। और अगर R21 का पोजीशन वेक्टर लिखना है या यूनिट वेक्टर लिखना है तो क्या लिखेंगे R21 cap, R21 cap it is a position vector, a unit vector from point 2 to point 1। अब अगर हमें फोर्स के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स के फॉर्म में हम लिखेंगे यहां पर फोर्स F12, जो फोर्स 12 है मतलब फोर्स एग्जर्टेड ऑन चार्ज वन बाय चार्ज टू, तो इस एफ वन टू के डायरेक्शन में कौन सा पोजीशन वेक्टर है, आर वन टू है या आर टू वन है, तो हम कहेंगे आर टू वन है, किसके डायरेक्शन में है फोर्स एफ वन टू के डायरेक्शन में, तो हम यहां पर लिखेंगे एफ वन टू बराबर होगा मैग्नीट्यूड के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर
R यहां पर 2-1 लिखना चाहिए, लेकिन आपको पता है R 2-1 का मॉड और R 1-2 का मॉड सेम है, इसको हमने R से शो किया है, यानी ये हो रहा आपका मैग्नीट्यूड, और इसके साथ हम R 2-1 लिखेंगे पोजीशन वेक्टर, R 2-1 पोजीशन वेक्टर विच शोज द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर R 2-1 फ्रॉम चार्ज Q2 टू चार्ज Q1, ठीक है। और ये फोर्स का भी डायरेक्शन बताता है, क्योंकि फोर्स का और R 2-1 का पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हमने यहां पर लिखा F12 इज इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप 1-2, R कैप यहां पर लिखा है 2-1, ठीक है। यानी बुक में क्या है, बुक में यहां पर F12 है, यहां पर भी R12 है, तो थोड़ी नोटेशन डिफरेंट है, क्योंकि नोटेशन कौन सी थी बुक में हिसाब से, यह थी कि फोर्स 1-2 को उसने नाम दिया था फोर्स एग्जर्टेड बाय चार्ज Q1 ऑन चार्ज Q, लेकिन हम नोटेशन कौन सी ले रहे हैं, सिंपलिसिटी के लिए ले रहे हैं, कौन सी, जो नॉर्मल नोटेशन है। F12 का मतलब है फोर्स एग्जर्टेड ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2, और F21 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1, तो इन साइन कन्वेंशन का थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा फोर्स आ गया F12, इसको हमने लिखा वेक्टर फॉर्म में, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। आपको नजर आ रहा है सब कुछ, ओके नजर आ रहा है, ठीक है। और F21 की बात करेंगे, F21 यानी F21 फोर्स एग्जर्टेड ऑन Q2 बाय चार्ज Q1, F21 इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर मैग्नीट्यूड, और यहां पर रखेंगे R12 कैप। R12 कैप क्यों लिखा, क्योंकि F21 के डायरेक्शन में R12 हमारा पोजीशन वेक्टर है, यानी यहां पर देख सकते हैं F21 के डायरेक्शन में R12 पोजीशन वेक्टर है, इसलिए। और यहां पर इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर। अब हमें पता है कि ये दो वेक्टर्स R12 वेक्टर और R2 वेक्टर्स, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो यूनिट वेक्टर का भी वही रिलेशन होगा इस R12 कैप का और इस R21 कैप का, जो यहां पर रिलेशन होगा वो वही होगा, यानी मैग्नीट्यूड तो 1 है, बाकी डायरेक्शन इनका अपोजिट है। R12 का डायरेक्शन है 1-2, R21 का डायरेक्शन है 2-1। तो यहां पर लिखेंगे सिंस वी नो दैट R12 कैप जो है ये बराबर है माइनस R21 कैप के, ये बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, मतलब सेम होता है, बाकी डायरेक्शन इनका अपोजिट है, यू में सीधे, तो ये इक्वल है। तो हम क्या पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन नंबर, यहां पर इक्वेशन नंबर जो 2 है, इसमें हम R12 की जगह यहां पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, ये वैल्यू R12 जो कैप है ये पुट करें इक्वेशन नंबर किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये हो जाएगा F21 वेक्टर फोर्स इज इक्वल टू के इनटू Q1 इनटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, R12 कैप की जगह क्या रखना है, माइनस R21 कैप, ये हमने रखा R12 कैप की जगह क्या रखा है, माइनस R21 कैप, ठीक है। और इसको फर्दर थोड़ा सिंपलीफाई करें, F21 वेक्टर इज इक्वल टू ये माइनस जो है मैं यहां पर रखता हूं, और उसके बाद के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहां पर रखते हैं R21 कैप। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी ब्रैकेट है यहां पर, ये पूरी ब्रैकेट हमारे किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 में से देखें, इक्वेशन नंबर 1 में ये जो पूरा टर्म है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 कैप, ये बराबर है F12 के। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में से इस ब्रैकेट को रिप्लेस करेंगे F12 के साथ, यहां पर लिखेंगे F21 जो फोर्स है ये बराबर है माइनस साइन के साथ F12, ये रहा हमारा फोर्स का रिलेशन, के ये जो फोर्स है ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1 इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स एग्जर्टेड ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज Q। तो ये रहा हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स।
नोट डाउन करें, मैंने साइन कन्वेंशन थोड़ी बहुत चेंज कर ली है, जल्दी से इनको नोट डाउन करें। हरिओम। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं कुछ कमेंट्स आए हैं, शायद क्वेश्चंस ही होंगे। मुसाविर हुसैन मेमन कह रहा है कि कल वाली स्क्रीनशॉट मैंने अपलोड कर दी है हमारे फेसबुक पेज ओमान एंड जुहेब ट्यूटोरियल्स पर। बेटा आप वहां से स्क्रीनशॉट्स मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर तीनों क्लासेस की उठा सकते हैं, फिजिक्स। उम्मीद फरवा, आपने क्वेश्चन किया है कि फोर्सेस जब अट्रैक्टिव होंगे तो एफ वन टू का यूनिट वेक्टर आर वन टू होगा, तो अब मैंने ये सारा क्लियर कर दिया है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि बुक में कुछ नोटेशन जो है वो चेंज है, लेकिन हम नोटेशन पढ़ रहे हैं उससे थोड़ी डिफरेंट है। हसन रजा, एफ वन टू आर टू वन का रिलेशन, मतलब एफ वन टू फोर्स का जो डायरेक्शन बताएगा वो आर टू वन वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है वो बताएगा। सानिया कह रही है कि मुश्किल है, पता नहीं क्या मुश्किल है। लाइबा कंबो, इफ साइज ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देम Then what happened? अच्छा, लाइबा ने क्वेश्चन पूछा है कि जब चार्जेस की साइज उनके डिस्टेंस के इक्वल हो जाए, तो बेटा ये रेयर केसेस में होता है मोस्टली, लेकिन उस केस में आप ये कंसीडर करें कि अगर आप साइज ऑफ चार्ज बॉडी और साइज ऑफ डिस्टेंस उनके बीच में जो है वो इक्वल कर रहे हैं, मतलब आप ये कंसीडर करें कि हम दो प्रोटॉन्स लें और दो प्रोटॉन्स के बीच में डिस्टेंस हम कितना लें, जो प्रोटॉन की साइज होती है उनके बीच में उतना ही डिस्टेंस लें, तो हमें ये नहीं फील होगा कि ये दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो ये केस लेना थोड़ी यानी ऑकवर्ड होगी, अदरवाइज आपको डिस्टेंस आपको जो भी मिले आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे लेना देना नहीं है। मतलब दो चार्जेस के बीच में अगर आपको डिस्टेंस कितना भी गिवन है, चाहे इक्वल डिस्टेंस है साइज के या उनसे कम है या उससे ज्यादा है, तो आप फार्मूला में प्रॉब्लम जो मिलेगा वो आप पुट करके प्रॉब्लम कर सकते हैं इजीली। अट्रैक्शन रिपल्शन वगैरह भी सेम ही रहेगा क्योंकि चार्ज की साइज ही बिल्कुल छोटी होती है ना, तो हम उसको पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। उबदार अली कह रहा है टू चार्ज आर इन मोशन कूलम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। उबदार अली याद रखें, जब चार्जेस मोशन में आएंगी दोनों ही, तो उस केस में कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं करेंगे, फिर चार्जेस का इफेक्ट मैग्नेटिक बन जाता है। शमीरा कह रही इनवर्स स्क्वायर लॉ रिपीट करें। इनवर्स स्क्वायर लॉ वो होता है जिसमें फोर्स जो है वो आर के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन में है, वो होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में भी होता है एफ इज इक्वल टू एम जी एम एन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, तो डिस्टेंस के ऊपर आर के स्क्वायर है ना, यहाँ पर हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है ये, और आगे भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी हम इसको पढ़ेंगे। फरा कह रहे हैं फिगर को समझाएं। ओके,
सानिया, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो वो फोर्स सिर्फ सेंटर टू सेंटर ही क्यों लगाते हैं? तो सेंटर टू सेंटर इसलिए क्योंकि स्फेरिकल चार्ज बॉडी के हिसाब से हम जो डिस्टेंस लेते हैं ना दो बॉडीज के बीच में, वो हमेशा उनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। यही है एक्चुअली लॉ। लॉ में जो हम कहते हैं ना स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये बेसिकली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर से एक्चुअली। ओके जानिता, व्हाट वुड बी द रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर व्हेन चार्जेस आर अट्रैक्टिव? चार्जेस जब अट्रैक्टिव होंगी तो भले अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, तो ला है ना, ला थोड़ी चेंज होगा। ये जो कूलम्स ला है ना एफ इज इक्वल के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इससे ये लेना देना थोड़ी है कि ये अट्रैक्टिव चार्जेस के लिए है यानी अपोजिट चार्जेस के लिए, ये तो दोनों के लिए है ना, मैग्नीट्यूड बताएगा, इनवर्स स्क्वायर ला को ये फॉलो करेगा। ओके फिगर को मैं रिपीट करता हूं अभी, ठीक है रिवाइज कर लेते हैं। अवेश करने लास्ट वाला रिपीट, ओके रिपीट करता हूं मैं ओवरऑल, ठीक है रिलेशन बताता हूं हसन रजा, बताता हूं रिलेशन एफ वन टू का और आर टू वन का रिलेशन भी मैं आपको समझाता हूं जरा ध्यान से। ओके बेटा यहां पर जो बातें लिखी हैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो ध्यान से यहां पर हमें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ स्टडी करना है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ का मतलब है जैसे कि हमें पता है कूलम्स लॉ इट इज अ फार्मूला एफ इज इक्वल के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, दिस शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ये जो फार्मूला है ना ये हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा। जैसे हमने प्रॉब्लम भी किया था आपको याद है, हमने चार्ज ली थी शायद एक 6 माइक्रो कूलम दूसरे 10 माइक्रो कूलम, उनके बीच में हमने देखा था अगर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है व्हाट इज द फोर्स, मतलब हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें डायरेक्शन पता करना है कि एक चार्ज पर जो फोर्स लगेगा तो हम उसको वेक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे कि हमें पता है यूनिट वेक्टर जो होता है इट इज अ वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? उस वेक्टर का डायरेक्शन, यानी ए वेक्टर और यूनिट वेक्टर ए के आपस में पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। याद रखें यूनिट वेक्टर एंड वो वेक्टर जिसका वो यूनिट वेक्टर है वो दोनों आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, मतलब उनके बीच में एंगल क्या होती है? जीरो डिग्री होती है। तो यहां पर हम वेक्टर को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई विथ इट्स यूनिट वेक्टर। अब यहां पर हमने जनरलाइज फार्मूला लिखा है फोर्स का इन वेक्टर फॉर्म, एफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स यानी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर के, यानी हम यहाँ पर ए वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर लिखते हैं ना, तो हम यहाँ पर फोर्स के बारे में क्या लिखेंगे कि जो फोर्स है वेक्टर है ये बराबर होगा एफ मैग्नीट्यूड एंड उसका यूनिट के वेक्टर आर के। एफ फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इंटू यूनिट वेक्टर आर के। यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू केप से, आर केप से, या जो भी सिंबल आप चाहो दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने F फोर्स इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू F फोर्स का मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये R कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर R कैप किसका डायरेक्शन बताएगा? इस फोर्स का डायरेक्शन बताएगा, मतलब ये जो फोर्स है F और ये जो R कैप है ये आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल। R कैप विल शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स F। तो यहां पर हम आ गए टू डायमेंशन सिस्टम में, एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। मैंने कहा सपोज करें दो पॉइंट चार्जेस हैं टू डायमेंशन सिस्टम में, एक चार्ज हमारी वन है दूसरी चार्ज हमारी टू है, यानी एक क्यू वन है दूसरी क्यू टू है, तो क्यू वन क्यू टू पर फोर्स लगाएगी, इसका नाम रखेंगे एफ टू वन, फोर्स ऑन द चार्ज टू बाय चार्ज वन, और यहाँ पर टू जो है वो वन पर फोर्स लगाएगी, इसका नाम रखेंगे एफ वन टू, फोर्स ऑन चार्ज वन बाय चार्ज, और यहाँ इनके बीच में कोई पोजीशन वेक्टर भी होगा जो Q1 से Q2 की तरफ होगा R12 पोजीशन वेक्टर, और 2 से 1 की तरफ होगा R21 पोजीशन वेक्टर। तो मैंने आपको पहले पोजीशन वेक्टर समझाया, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ाए कि पोजीशन वेक्टर अगर हमें Q1 से Q2 चाहिए
Q1 से Q2 चाहिए यानी R12 चाहिए, तो कैसे लिखेंगे? R12 बराबर होगा फाइनल R2 माइनस इनिशियल R1। या इसको वेक्टोरियली भी सोचें तो ये R1 पोजीशन वेक्टर के हेड में R12 ऐड किया है, R1 पोजीशन वेक्टर में R कौन सा ऐड किया है, यहाँ पर लिखेंगे R12 हमने ऐड किया है, तो हमारे जो रिजल्ट मिला है रिजल्टेंट वो R2 है। और हमें R12 चाहिए, R1 प्लस का है लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस हो गया, R12 वेक्टर इज इक्वल R2 माइनस R1। अब जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर R12 है, इसके डायरेक्शन में पैरेलल कौन होता है? इसका यूनिट वेक्टर। तो हमने यहाँ पर आपको समझाया जैसे कि R जो हमारा R12 है, R12 मतलब फ्रॉम 1 to 2 है, R1 to 2 पोजीशन वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर R12 जो है वो इसका क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। और इसका रिलेशन आपको मैंने यहाँ पर रख दिया है कि R12 कैप यानी पोजीशन यूनिट वेक्टर बराबर होगा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, इस तरह से आप शो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम Q2 से Q1 जाना चाहें तो R21 पोजीशन वेक्टर है, और यहाँ पर लिख सकते हैं R21 बराबर होगा फाइनल R1 माइनस इनिशियल R1 माइनस R2। या इसको सोच सकते हैं कि यहाँ पर R2 के हेड में R21 ऐड किया है, तो रिजल्ट क्या मिला है? R1। तो इस तरह से हम रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फोर्स जो है वो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से। तो अगर हमें F12 लिखना है, फोर्स ऑन 1 बाय चार्ज 2, तो F12 लिखें कैसे? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R2, और इसके साथ कौन सा यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे जो F12 के डायरेक्शन के पैरेलल है, तो पैरेलल यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? R21 कैप यानी यूनिट वेक्टर। जैसे मैंने यहां पर लिखा है F12 के डायरेक्शन में कौन सा पोजीशन वेक्टर है? R21, और इसका यूनिट वेक्टर क्या है? R21, जो कि हमें F12 का क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। तो हमने यहां पर F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू R21 पोजीशन वेक्टर, यानी याद रखें R21, ये हसन रजा का क्वेश्चन में उसका आंसर दे रहा हूं, R21 और F12 फोर्स के बीच में रिलेशन क्या है? हम कहेंगे R21 जो हमारा यूनिट वेक्टर है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स F12। R21 पोजीशन वेक्टर किसका डायरेक्शन बता रहा है? F12 का डायरेक्शन बता रहा है, यानी ये बता रहा है कि हमारा R21 जो यूनिट वेक्टर है ये हमने ड्रा किया है फ्रॉम 2 चार्ज टू 1 चार्ज, और इसके डायरेक्शन में F12 के डायरेक्शन, मतलब F12 फोर्स और R12 जो यूनिट वेक्टर है ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल। और उसके बाद F21 लिखना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स और यूनिट वेक्टर R12 के। अब R12 के और F12 वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन है? वही रिलेशन, यानी R12 कैप का मतलब है पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द 1 to 2 एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स F21। ठीक है, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम जानते हैं कि दो वेक्टर्स जो होते हैं अगर इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो हम उनको इस तरह से लिख सकते हैं, और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो दो यूनिट वेक्टर्स हैं, एक 1 से 2 की तरफ, दूसरा 2 से 1 की तरफ, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं R12 कैप जो ये बराबर होता है माइनस R21 कैप। तो हम इस इक्वेशन नंबर 2 में R12 की जगह क्या पुट करेंगे? माइनस R21। यहाँ पर ये देखें, पुट करें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, F21 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनटू R12 को रिप्लेस करके क्या लिखते हैं? माइनस R21। और ये माइनस मैंने यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस बाकी सेम रखा है, K Q1 Q2 अपॉन R2 और R21 कैप। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये पूरी ब्रैकेट में रिप्लेस कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 जो है ये पूरी ब्रैकेट किसके इक्वल है? F12 के। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ F12 वेक्टर, यानी यहाँ से पता चलता है कि ये दो फोर्स जो हुए यानी दो चार्जेस आपस में म्यूचुअली फोर्स लगा रही है, अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्शन का हो, अगर सेम होंगी लाइक होंगी तो रिपल्शन का फोर्स होगा, अगर अपोजिट होंगी तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो यहाँ पर ये फोर्स बता रहा है फोर्स ऑन द चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1 इज इक्वल इन अपोजिट, इक्वल मैग्नीट्यूड में है और अपोजिट किस में? डायरेक्शन में, वो सेम फोर्स होगा, दैट इज द फोर्स एग्जर्टेड ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2। आई होप कि आपको समझ में
आ गया होगा फुली, इसको इतना रिवाइज करें, इतना रिवाइज करें कि धूम मचा दे। क्लियर, नोट करें इसको, तो हम आगे प्रोसीड करें। ओके, सानिया पूछ रही है कि अगर Q1 बराबर है 10 माइक्रोकुलम और Q2 बराबर है 5 माइक्रोकुलम तो फिर भी क्या दोनों चार्जेस इक्वल फोर्स लगाएंगी? बिल्कुल, क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्स है कि Q1 चार्ज जितना फोर्स लगाएगी Q2 पर उतना ही चार्ज Q2 जो है वो Q1 पर फोर्स लगाएगी, क्योंकि ये फोर्स हमारा किसी एक चार्ज पर डिपेंड नहीं करता बल्कि दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद उमेश फरवा पूछ रहे हैं इन एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड हियर इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन, सो हाउ दिस लॉ अप्लाइज टू अ चार्ज इन मोशन। हाँ उमेश फरवा, आप याद रखें कि एक तो कूलम्स लॉ हमारा लगता है जब चार्जेस दोनों ही रेस्ट में है, और ये लॉ हमारा उस वक्त भी लग सकता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन इज ए रिवॉल्विंग इन द हाइड्रोजन एटम इन द ऑर्बिट, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस क्या है उसका फिक्स है ना, ऑर्बिट रेडियस तो चेंज नहीं होता है ना, तो इस केस में रेडियस फिक्स है लेकिन चार्ज हमारी मोशन में है, तो एक चार्ज मोशन में है और फिक्स्ड ऑर्बिट में है, और सिमिलरली प्रोटॉन भी हमारा एक न्यूक्लियस में फिक्स है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है फिक्स है, इसलिए यहाँ पर हम लगा सकते हैं कूलम्स लॉ। लेकिन अगर डिस्टेंस ही वेरी हो, मतलब वो चार्ज आगे पीछे मूव करे या कोई उससे दूर जाए, तो उस केस में हम कंटिन्यूसली ये लॉ अप्लाई नहीं करेंगे, जब डिस्टेंस फिक्स हो उस केस। लाइबा पूछ रहे हैं इफ चार्जेस आर नॉट इन स्फीयर शेप, if they have rectangle or triangle or any other shape, so what effect on the force and drive formula? ठीक है, तो कोई फैसला नहीं है, अगर हमारा जो charges हैं वो distributed हैं किसी plates पर या infinite sheet पर, तो आगे अगर हम ये formula पढ़ेंगे जब Gauss's law पढ़ेंगे या और topics पढ़ेंगे तो उस केस में भी हम देखेंगे किस तरह force लगता है एक sheet का या एक plate का किसी भी charge body पर, तो इस तरह से वो हम आगे इनको जरूर देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, फरा पूछ रहे ऑल स्टेशनरी चार्जेस कैन बी पॉइंट चार्जेस, नो ऑल स्टेशनरी चार्जेस कैन नॉट बी पॉइंट चार्जेस, मैंने बताया था ना पॉइंट चार्ज का मतलब होता है बिल्कुल स्मॉल चार्ज हो और उनकी साइज जो है उन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस से कई गुना कम हो वो पॉइंट चार्ज होती है। रेस्ट में ऐसा नहीं है कि एक सीपीयू है एक मॉनिटर है दोनों एक दूसरे के पास पड़े हैं, अब ये स्टेशनरी तो है इनके ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो क्या ये पॉइंट चार्ज होगी? नहीं होगी, हालांकि ये रेस्ट में है उस केस में भी ये पॉइंट चार्जेस नहीं होगी, यानी उनकी साइज भी मैटर करती है, साइज शुड बी सो स्मॉल। ओके, निर्मा हुबदार अली का क्वेश्चन है, अच्छा उससे पहले शायद फहद का, व्हाई ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव नॉर रिपल्सिव, बेटा ये मास की प्रॉपर्टी है, मतलब मास के बीच में जो फोर्स है ना वो हमारा ग्रेविटी से लिया गया, ग्रेविटी की मतलब क्या है कशिश, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स है, ये उनका नेचुरल फोर्स है, पता है ना चार नेचुरल फोर्सेस हैं, देयर आर फोर नेचुरल फोर्सेस, कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उबदार क्वेश्चन है वन चार्ज रेस्ट इन अदर चार्ज मोशन में अप्लीकेबल है, हाँ मोशन में है लेकिन वो तब जब वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करे, मतलब उसका डिस्टेंस भी फिक्स हो। निर्मा
कल आपने कूलम्स लॉ की डेफिनेशन बताई थी कि अच्छा कूलम की डेफिनेशन आइडेंटिकल चार्ज फोर्स एग्जर्टेड करेंगी 9×10⁹, अगर अपर चार्ज हो तो फिर भी इतना ही फोर्स एग्जर्ट करेंगी एग्जैक्टली बिल्कुल, अगर दोनों चार्जेस एक चार्ज पॉजिटिव दूसरी चार्ज नेगेटिव है तो उनके बीच में भी फोर्स उतना ही लगेगा, क्योंकि फोर्स डिपेंड करता है ना मैग्नीट्यूड पर। आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम है, नेगेटिव का भी 1 कूलम है, तो अब फोर्स तो चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। बाकी नेचर चेंज होगी, मतलब अपोजिट होगी तो अट्रैक्शन, अगर लाइक होगी तो रिपल्शन होगी। अदनान सर, इन आयोनिक बांड, अच्छा तुम्हें आयोनिक बांड की पढ़ी है, यहाँ पर फिजिक्स पढ़ना है, तुम केमिस्ट्री यहाँ पर कहाँ घुसे रहे हो। इन आयोनिक बांड सम एटम्स आर डिफरेंट लाइक सोडियम क्लोराइड, हाउ देयर आयोनिक चार्ज आर सेम। अच्छा तो चार्ज सेम कैसे होती है, तो आपको पता है ना सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें, सोडियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज +1 होगी और क्लोराइड आयन पर नेगेटिव -1 होगी। अरे भाई चार्ज क्यों बनती है, ये जो पढ़ाया था ना कि जब कोई एटम लूज होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगी, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है ना चार्ज का, चाहे वो केमिस्ट्री में पढ़े चाहे वो फिजिक्स में पढ़े। और एना अभी जो आपने समझाया काइंडली रिपीट, अच्छा मतलब अभी दोबारा तीसरी बार रिपीट करें। आई थिंक दिस इज नॉट द वे, आपको ध्यान करना चाहिए था, मैंने दोबारा रिपीट किया है। फलक रियान सर, कूलम्स लॉ लार्ज चार्ज स्टेशनरी बॉडीज पे भी वैलिड होगा, बिल्कुल। लार्ज का मतलब ये है कि लार्ज बॉडीज अगर आप ले रहे हैं ना तो उनको क्या रखें, दूर दूर रखें, जैसे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो पॉइंट मासेस के लिए होता है, पॉइंट मास का मतलब होता है कि वो जो मासेस होते हैं उनकी साइज उनके बीच में डिस्टेंस से कई गुना कम हो, जैसे सन और अर्थ, अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ पर क्या क्या बसा है, हमारी दुनिया बसी है अर्थ पर, तो अर्थ इतनी बड़ी है, और सूरज तो अर्थ से कई गुना बड़ा है, लेकिन हम उन दोनों को पॉइंट मासेस तौर कंसीडर कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द अर्थ एंड सन इज वेरी 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 लार्ज, कितना होता है 1.49×10⁻¹ meters, इतना डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में, अब उन दोनों को हम पॉइंट मासेस कंसीडर कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। अच्छा आवाज नहीं आ रही है मतलब, ओके ये जो इन्फिनिक्स है ना इनको आंसर नहीं मिलेगा बेटा, आप अपना डिवाइस का नाम चेंज करें, मैंने बार बार बताया है कि तुम्हें जो है वो इग्नोर किया जा रहा है, नाउ आई एम जस्ट इग्नोरिंग यू, रिमेंबर उमे फरवा हाउ इट वाज नोन दैट द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। उमे फरवा वेरी नाइस क्वेश्चन, बेटा हमने न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और यानी उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर की स्टडी नहीं की है, हालांकि जब उसकी अंदर की स्टडी करेंगे ना तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ना ये किसके बने होते हैं, ये क्वार्क्स से बने होते हैं, क्वार्क्स QuarkS, क्वार्क्स क्या होते हैं, क्वार्क्स इनके भी छोटे छोटे यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उनके कुछ नाम होते हैं, एक का नाम होता है अप, एक का होता है डाउन, तो उसका चार्म, दूसरा होता है स्ट्रेंज और बॉटम एंड टॉप, ये इस तरह से उनके नाम होते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होता है वो ऐसे क्वार्क्स का बना होता है जिनकी नेट चार्ज हम ऐड करते हैं ना, मतलब क्वार्क्स की चार्ज होती है फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन में होती है -1/3 + 1/2 इस तरह से होती है, तो न्यूट्रॉन उन क्वार्क्स का बना होता है जिनकी हम नेट चार्ज ऐड करें तो नेट चार्ज न्यूट्रॉन की 0 आती है, और प्रोटॉन की +1 क्यों आती है, बिकॉज जो क्वार्क्स आपस में ऐड होते हैं उनकी फ्रैक्शनल चार्ज को हम जब ऐड करते हैं तो नेट चार्ज आती है +1। ये कभी अब क्लास लाइव आ गया तो इंशाल्लाह मैं आपको ये भी इसके बारे में बताऊंगा, अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं, आपको एक डायग्राम मिलेगा जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्वार्क्स से बने हैं, एक अप्स और डाउन्स से बने हैं, आपको दोनों मिल जाएंगे। ओके लाइव, चार्ज डिपेंड ऑन द मास, नहीं 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 कह सकते चार्ज डिपेंड ऑन द मास, चार्ज का मास से लेना देना नहीं है, चार्ज का लेना देना है इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से बस। और उमेर फारूक, आवाज नहीं आ रही, अच्छा आवाज स्लो है, स्लो हो गई होगी,
ओके, इरफान हैदर पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्शन बैलेंस। टॉर्शन बैलेंस का मतलब होता है बेटा, टॉर्शन बैलेंस एक बैलेंस होती है जिसकी मदद से हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। कूलम्स लॉ जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ना कि दोनों चार्जेस एक दूसरे के करीब रखी गई हैं और उन दोनों के दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, तो वो फोर्स हमारा उनकी प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करता है, मतलब एडिशन पर डिपेंड नहीं करता या कोई और डिवीजन पर डिपेंड नहीं करता, उनकी प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। ये कैसे हुआ, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय द डिवाइस विच इज नोन एज टॉर्शन बैलेंस। ओके, हाँ फरहान अली पूछ रहा लार्ज डिस्टेंस होगा चार्जेस में तब भी कूलम्स लॉ होगा। हाँ, लार्ज डिस्टेंस भले कितना भी हो तो कूलम्स लॉ हम लगा सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, प्रॉब्लम के तौर पर कर सकते हैं, इसको प्रॉब्लम हो जाएगा। सज्जाद गुल, चार्ज क्यू वन एग्जर्ट सम फोर्स ऑन क्यू टू, इफ थर्ड चार्ज ब्रॉट नियर टू क्यू वन देन फोर्स ऑफ क्यू टू ऑन क्यू रिमेन आर रिमेन सेम। बेटा रिमेन सेम, याद रखें ये हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, आर तो टाइम तकरीबन खत्म होने वाला है लेकिन इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे कल वाले टॉपिक में आया का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द चार्जेस, मतलब एक से ज्यादा चार्जेस एक दूसरे के पास पास रखें तो एक चार्ज पर जो फोर्स लगेगा दूसरी चार्जेस का वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो हर चार्ज उस क्यूबन चार्ज पर अपना अपना फोर्स लगाएगी और वो इंडिपेंडेंट होगा होता है प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस के। बिल्कुल, तो सज्जा आपका जो आंसर होगा वो सी होगा, रिमेन्स सेम, ये आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फरा, व्हाई ऑलवेज इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो फरा आप सिंपल सोचें ना, प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन के साथ बंधा होता है न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन जो बेचारा होता है वो हमेशा मोशन में ही होता है और रिवॉल्व करता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन को ये एबिलिटी होती है कि वो जंप लगा सके बाहर या वो शेयर्स के एक से दूसरे में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जल्दी इजीली जो है हमारा केमिकल रिएक्शन में मतलब वो इंटरेक्ट करता है दूसरे एटम के साथ, मतलब एक्सचेंज हो सकता है। प्रोटॉन तो बेचारा बंधा हुआ है ना, वो तो नहीं जा सकता, कॉमन सेंस है, सोचने की बात है। हाउ मेनी क्वार्क्स आर प्रेजेंट इन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन में भी तीन क्वार्क्स होते हैं हुबदार, प्रोटॉन में भी तीन क्वार्क्स होते हैं और न्यूट्रॉन भी जो है वो तीन क्वार्क्स का बना होता है। माजिद अली, क्या फोर्स बिटवीन द टू चार्ज डिपेंड करेगा किसी थर्ड चार्ज पर जो प्रेजेंट है दोनों के बीच में, तो माजिद अली मैंने बता दिया कि फोर्स किसी भी दो चार्ज के बीच में इंडिपेंडेंट होता है प्रेजेंस ऑफ द थर्ड चार्ज, रिमेंबर दैट दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, लाइबा, इफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द मास सो हाउ लार्ज मैग्नेट अट्रैक्ट मोर थिंग्स इन दैट ऑफ द स्मॉल मैग्नेट। अच्छा, उसकी बात अलग है, आप लार्ज मैग्नेट की बात करेंगे तो लार्ज मैग्नेट का प्रिंसिपल ही अलग होता है, मतलब वो क्यों दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करता है उसका दूसरा एक मैकेनिज्म, वो हम आगे इंशाल्लाह मैग्नेटिज्म में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ओके वजिया, अनम्यूट कैसे करें, अब यहाँ पर तो हमारा क्लास जो है वो खत्म होने वाला है। चलो हुबदार अली, वैल्यू ऑफ क्वार्क वो देखना, फ्रैक्शनल चार्ज का वैल्यू देखना हर क्वार्क पर कितना होता है, चार्ज डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की चार्ज फिक्स है बेटा, बस खुशी, इलेक्ट्रॉन की चार्ज फिक्स है, याद रखें एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितनी होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, बस ये याद रखें। उमे फरवा, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है सो इट्स नॉट मेड ऑफ क्वार्क्स सो प्लीज एक्सप्लेन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की चार्ज उमे फरवा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऐसा स्मॉलेस्ट सब पार्टिकल है जिसकी चार्ज फाइंड आउट की गई थी कि वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है, यानी वो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एक स्मॉलेस्ट चार्ज होती है, मतलब उससे स्मॉल चार्ज जो है वो ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करेगी, इलेक्ट्रॉन पर फाइनेस्ट चार्ज स्मॉलेस्ट चार्ज होती है कितनी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और ये किसने फाइंड की थी, ये फाइंड की थी मिलिकॉन आई ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, उसको बाद में ये चार्ज मिल गई। अदनान शर का क्वेश्चन है, तो कि हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन हैज ओनली
वन इलेक्ट्रॉन इन वन शेल। तो बेटा हाइड्रोजन में एक शेल होता है, कौन कहता है एक शेल होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल में, ग्राउंड अगर लेवल की बात करें तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है। लेकिन जब अगर इलेक्ट्रॉन को यानी हाइड्रोजन एटम को एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने नेक्स्ट एनर्जी लेवल्स में जाएगा। और ये शेल्स जो है ना हाइपोथेटिकल रीजन बनाए गए हैं ऑर्बिट्स, हालांकि इस तरह के कोई पाथ डिफाइन नहीं है, बस कुछ रीजन है न्यूक्लियस के बाहर कुछ रीजन है, तो उन रीजन का नाम रखा गया है एनर्जी लेवल्स। तो हर एनर्जी लेवल का अलग अलग अपना वैल्यू होता है, जिनको आप ऑर्बिट्स के नाम से जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। सर मुझे क्वेश्चन ये हुआ था, जरे दा मतलब कल बताया हो ना, जरे असा चार्जेस के विच में डाइलेक्ट्रिक रखंदा त सर पो असन जो को फोर्स आ वो डिक्रीज थिनो, एंड सर यो ग्रेविटेशनल फोर्स में न तो थे उन जो डिक्रीज न तो थे। सर आके चार्जेस में एड़ो छा है जो सर मतलब जरे असा डाइलेक्ट्रिक रखौं ता तो फोर्स डिक्रीज तो है, पर सर वो वरी ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज न तो कर सके। हां तो हाने जो को डाइलेक्ट्रिक का उन डाइलेक्ट्रिक बताया तो यो एटम्स जो ठेला तो एटम्स में या खनी मॉलिक्यूल्स जो तो मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूल्स एटम जा ठेला होना है, तो एटम जैसे सेपरेट थी ना डायलेक्ट्रिक जा तो उन वक्त उनमें थोड़ी चार्ज जी सेपरेट थी वी, मतलब थोड़ी इनमें हल्की चार्ज ठही वी जिनके पोलराइजेशन चबो है। तो उन बाद में उार्जिस यानी इंट्रोड्यूस वन मीडियम जो उन चार्जिस फोर्स लगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लगन, मतलब जो एक्चुअल फोर्स होंगे उनके अपोजिट डायरेक्शन में वो स्मॉल फोर्स लगन, जैसे कर नेट फोर्स जो ओवरऑल फोर्स होंगे वो डिक्रीज थी वो। सर वो ग्रेविटेशनल छो न तो डिक्रीज करे, ग्रेविटेशनल में न दे कर त ग्रेविटेशनल मीडियम सा वास्तो न थो रखे ना, मीडियम ते डिपेंड ही ना है, मतलब मीडियम के अंदर चार्जेस जो त कांसेप्ट ना है ना, असा जो मास ते डिपेंड तो करे, इन दे करे जे को मास दे फोर्स लगंदो होंदो तो वो सेम फोर्स ही तो लगे। सर असा ये चई सकू ता त जरे मतलब असा ग्रेविटेशनल फोर्स दी गाल कंदा से तो उने में असा मतलब मासेस दी गाल कंदा से, मासेस के चार्ज ना हुंदिया, अगर वो उने जे अपोजिट विंडो भी तभी उनन के कोई इफेक्ट ना तो कर सके फोर्स के। बस ये चंदा दे मास से डिपेंड ना कंदो, बस सिंपल जवाब यो ही हुंदो, बाकी ज्यादा ना के एक्सप्लोर करने की जरूरत ना है। एंड सर जर इते ता मतलब स्फीयर पे खणो चार्ज मतलब एकड़ो त उने में जो को आसान लाइन जॉइनिंग करे सा उने जो फोर्स रखौ पिया, सर फॉर एग्जांपल असा कोई भी शेप जो असा खणौ जो ट्रायंगल खणौ या मतलब स्क्वायर खणौ कुछ भी, तो सर असा डायगोनल खणी करे उनन जो सेंटर सा असा फोर्सेस करे सकौ ता जॉइन ना, वो ट्रायंगल वगैरह न खणबो शाकन चार्ज साइज ही नेग्लिजिबल हो जाना, एकड़ो प्रोटॉन हुजे 5 प्रोटॉन होजन 100 प्रोटॉन्स मिलन तने भी तानो छा ठांदो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, हाउ मेनी टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स? अच्छा, ये एग्जांपल नंबर 12.3 है, आपको करना पड़ेगा 2.2×10^39 टाइम्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना गुना ज्यादा होता है? 2.2×10^39 टाइम्स। ये प्रॉब्लम में करवाऊंगा और एग्जांपल नंबर 12.3 है, एग्जांपल नंबर 12.3। ये सही है सर, पर बुदो। हां हां सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन फ्री स्पेस जो फार्मूला शाथी नो माता के बाप छन बुदाई ता करेक्ट ऑप्शन बुदाई। अच्छा, इनक्रीज सा जो फार्मूला मतलब ये तो मैं ता के अगते कराई दुस ना, ये फोर्स जो है असान जो अगर डिस्टेंस डबल थी वने तो फोर्स केतरो गुना जो है असान डिक्रीज थी विंदो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन फ्री स्पेस इनक्रीज से इनक्रीज या डिक्रीज? सर f इज इक्वल 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। हां, या 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हां हां सर, इन मिनिमम केडो पुट करना है, जस्ट 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना से या 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन r बई लिखना? एप्सिलॉन r ज तने लिखंदा से जदे मीडियम रखूं, एंड मीडियम रखना ना फोर्स डिक्रीज ही विंदो है ना, एंड जदे सिर्फ एप्सिलॉन नॉट होते फ्री स्पेस में मीडियम की रखना है?
फ्री स्पेस में तो मीडियम बाबा सो ना मीडियम जो मतलब बात है ये देखो एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू आ यो शायद हुआ यो फ्री स्पेस जो वैल्यू आ ना यो शायद फ्री स्पेस जो वैल्यू आ एयर जो एंड फ्री स्पेस जो वैल्यू ऑलमोस्ट सागो या थोड़ो डिफरेंस आ नेग्लिजिबल डिफरेंस आ ने करे सा चंदा हो ता जो एप्सिलॉन नॉट आ यो फ्री स्पेस मतलब फ्री स्पेस में या तो एयर या वरी वैक्यूम हो ठीक आ सही आ सर ओके तो नाउ क्लास टाइम इज ओवर नाउ क्लास का टाइम अब खत्म होने जा रहा है इसलिए हम इस क्लास को करते हैं वाइंड अप दैट्स व्हाई थैंक यू गुड आफ्टरनून